हाँ हाय तुसी इत्थे बैठी हां जे अंदर नाश्ता है पहले ही थोड़ा जिन्ना आंदा ने जाओ जाओ खा लो चलो मुंडे हो जल्दी करो चलो आप ही वो गुड़िया जाग गई है। सत्य मुराद क्यों है? मुराद भाई, मुराद भाई। देखो हमें साफ साफ बताओ मसला क्या है। हाँ क्या कोई बदसलूकी की तुम्हारे साथ? नहीं भैया, किसी की इतनी मजाल कि मेरे साथ कुछ ऐसा करे। फिर मुराद ने कुछ कहा होगा तुम्हें? पहले ही दिन रोब जमाने की कोशिश की होगी उसने। अरे आने दो उसे, हम चौधराहट निकाल देंगे उसे, हमें जानता नहीं है। नहीं भैया, मुराद ने कुछ भी नहीं किया। आपको लगता है उसमें इतनी हिम्मत है कि मुझ पर रोप जमा सकेगा? जानते नहीं है कि अपनी बहन को आप क्यों रोए जा रही हो? मंतु ये सामान पैक करके कहां जा रही थी? मुझे आपकी मौत याद आ रही थी भैया। मैं आपके पास आना चाह रही थी, मैं घर आना चाह रही थी। मुझे घर की बहुत याद आ रही थी। मुझे ना यहाँ पर बहुत अकेला अकेला लग रहा है। मैं शायद एक दिन और यहाँ रुकी ना मेरा दम घुट जाएगा। मैं वापस घर आना चाह रही हूँ। मैं ना आपको बहुत मिस कर रही हूँ, घर को मिस कर रही हूँ, भाभी सब को। जानते हो बहुत दिल कह रहा था, परेशान हो तुम। ठीक है चलो बस चलते हैं। चलो चलो आज ओ हेलो, तुम क्या टीवी देख रहे हो? आगे बड़ी छुट्टियां होगी स्कूल से, चलो चलो होमवर्क करो अपना। नहीं हाँ चलो बुक्स निकालो, मैं आ रही हूँ। चलो 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 क्विक 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 चलो। वैसे बड़ी गलत बात है, भैया को मन्नत के घर नहीं जाना चाहिए था। अरे क्यों ना जाए, पहले भी तो गए थे रिश्ता लेके, अब तो रिश्तेदारी भी है, जरूर जाएंगे। और तुम अच्छी तरह जानती हो भैया को, वो मन्नत के मामले में किसी की भी नहीं सुनते, अपनी ही मर्जी करते हैं। उसको टाइम चाहिए ससुराल में एडजस्ट करने के लिए, इस तरह बहाने बहाने से उसके सर पे सवार होते रहेंगे तो कैसे एडजस्ट करेगी वो? मिस कर रहे थे भैया मन्नत को, मिल आएंगे तो बेहतर महसूस करेंगे। लगता है भैया की शादी करवानी ही पड़ेगी, वरना मन्नत की जिंदगी में इसी तरह इंटरफेयर करते रहेंगे। हमने तो बहुत कोशिश कर ली, तुम भी कोशिश करके देख लो, अब इस उम्र में अगर उन्होंने शादी कर ली तो बहुत बड़ी बात होगी। मेरी बात सुनो, मैं मन्नत और भैया दोनों के भले की बात कर रही हूँ। पहले की बात और थी आदिल, अब उसकी शादी हो गई है और मैं दिल से चाहती हूँ कि उसका घर बसा रहे। वो तभी होना जब भैया की खुद शादी होगी, ताकि उनकी तवज्जो जो है अपनी बीवी अपने बच्चों की तरफ रहे, वरना रोज उठ के उसके घर चले जाएंगे। तुम्हें एतराज हो या ना हो, मुराद और उसके घर वालों को यकीनन एतराज होगा। ना उस बच्ची ने कभी बेस्ट फ्रेंड बनाई है, क्योंकि भैया बर्दाश्त नहीं कर सकते कि उसका ध्यान उसकी तवज्जो कहीं और हो। उनका बस चलता तो शादी भी ना होने देते। अब देखो शादी के बाद पहला दिन है, चले गए हैं उसके घर, ये कोई बात है भला? मुझे तो डर लग रहा है कोई साथ ही ना ले आए उसे। हाय 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 मां, सच्ची मां वाली नहीं, बड़े दर्द हो रही है क्या?
पानी दो। मुराद। आए। लगी तुम्हें? तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? बासू, बहुरानी, जरा पीछे हट के बैठे हुए ऐसे चिपक क्यों रही हो मेरे बेटे के साथ? अभी बेचारे का बाजू टूटा है, दर्द होगी उसको। गैर से बशर्मे, चल बेही आए, अंदर चल। बड़े भैया, मन्नत से मुलाकात होगी ना आपकी? हाँ, चले। ये क्या हो रहा है? कहाँ लेकर जा रही हो मेरे बेटे को? ऊपर अपने कमरे में। चलो। हाँ। आज किससे पूछ कर लेकर जा रही हो मेरे बेचारे बच्चे को? मैं इस बेचारे बच्चे को जबरदस्ती गोद में उठाकर थोड़ी लेकर जा रही हूँ। इसी ने कहा था कि अपने कमरे में जाकर आराम करना चाहता है। तो रहन दे, इसकी हालत है भला ऊपर सीढ़ियां चढ़ के जाए, नीचे ही आराम कर लेगा मेरे कमरे में। चोट मुराद के बाजू पर लगी है, टांग पर थोड़ी लगी है, सीढ़ियां तो आराम से चढ़ सकता है। क्यों मुराद? हाँ, टांग तो मेरी बिल्कुल ठीक है, ये देखिए। आप परेशान ना हो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ अम्मी। अम्मी, मुराद ठीक कह रहा है, आपको इसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। मुराद के लिए परेशान होने की खातिर मन्नत आ गई है ना, अब ये जाने और मुराद जाने। जाओ ना मुराद। हमेशा फर्क रखा ना बेटे और बेटी में। अपनी तरफ से ऐसी लड़की को बहू बना के लाए जो मुराद को ना पसंद। अब आगे आगे देखिए होता है क्या।